यवतमाल के विधान परिषद के उपचुनाव में भाजपा को और एक झटका लगा है। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी की ओर से किस्मत आजमा रहे शिवसेना के उम्मीदवार दुष्यंत चतुर्वेदी ने जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा के सुमित बाजोरिया को पराजित किया। यवतमाल विधान परिषद के चुनाव कौन जीतेगा, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ था। आज घोषित हुए परिणाम ने साफ कर दिया है कि यवतमाल में शिवसेना ने अपना गढ़ बना रखा है। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दुष्यंत चतुर्वेदी को 298 वोट हासिल हुए हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के उम्मीदवार सुमित बाजोरिया को 185 वोट ही मिल पाए हैं। इसके अलावा 6 वोट अभी तक घोषित किए गए। इस जीत के बाद दुष्यंत चतुर्वेदी ने पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। यवतमाल विधान परिषद के स्थानीय स्वराज्य संस्था के इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी भाजपा के उम्मीदवार के साथ और 4 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। बाद में चारों निर्दलियों ने नामांकन वापस ले लिया था। इस कारण इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला था। चुनाव में जिला परिषद सदस्य, नगर परिषद, नगर पंचायत के सदस्य तथा 16 पंचायत समितियों के सभापति समेत कुल 498 मतदाताओं ने मतदान किया था। यवतमाल स्थानीय स्वराज्य संस्था से शिवसेना के वीपर सदस्य तानाजी सावंत के उस्मानाबाद से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। इस चुनाव में शिवसेना को अपना गढ़ बचाने में कामयाबी मिली। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।